तो चलिए आज शुरू करते हैं असित कुमार हलदार, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखिए जितने भी शुरुआत के जितने भी मतलब ये कह लीजिए कि आप जो चित्रकार हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आज का काम आज ही कर लें। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो बाद में करते रहते हैं, लेकिन शुरुआत करिए कि जल्दी काम कर लिया करिए। तो आज हम लोग बात करते हैं असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार की बात कर रहे हैं, ठीक है। असित कुमार हलदार का जन्म 10 सितंबर 1890 में 1890 में कलकत्ता के द्वारिकानाथ, मैंने क्या लिखा है, कलकत्ता के द्वारिकानाथ टैगोर मार्ग, द्वारिकानाथ टैगोर मार्ग मार्ग में स्थित टैगोर भवन में हुआ था। क्या लिखा है, इनका जो जन्म हुआ है वो द्वारिकानाथ टैगोर मार्ग में स्थित टैगोर भवन में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु देख लेते हैं, इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु है वो कब है, तो आप कहेंगे 14 फरवरी 14 फरवरी 1964 में। कहां हुई है, तो कहेंगे इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई है। 14 फरवरी 1964 में इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई और इनका जन्म हुआ है कलकत्ता में, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करेंगे, 4 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, यानी कितने वर्ष, 74 वर्ष तक ये जीवित थे। असित कुमार हलदार ये बंगाल शैली के कलाकार हैं और औनी नाथ टैगोर के शिष्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चित्र बनाए थे। आज वो चित्र भारत के विभिन्न संग्रहालय में आज भी वो चित्र सुरक्षित हैं, जैसे इनके असित कुमार हलदार द्वारा बनाए गए सुरक्षित चित्र। सुरक्षित चित्र कहाँ कहाँ है, तो कहेंगे नंबर 1 गुजरी महल, गुजरी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश, गुजरी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है, यानी पश्चिम बंगाल, ये कहां है, पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसी तरीके से श्री चित्रालयम आर्ट गैलरी कह सकते हैं, श्री चित्रालयम आर्ट गैलरी या संग्रहालय कह सकते हैं, श्री चित्रालयम आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, कहां पे, आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में ये आज भी वहां पर सुरक्षित है। इसी तरीके से रामा स्वामी मुदालियर संग्रहालय, रामा स्वामी मुदालियर संग्रहालय मदुरई में सुरक्षित है। इसी तरीके से एक लंदन में है, वो है आपका
विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, विक्टोरिया विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। और लास्ट में बताने जा रहा हूं इसका इंपॉर्टेंट, यह है नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद। सबसे अधिक चित्र इनके अगर कहीं सुरक्षित हैं तो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में, जहां पे इनके आप लिख सकते हो सर्वाधिक चित्र कहां सुरक्षित हैं, तो कहेंगे नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में इनके सबसे अधिक चित्र हैं। या फिर ध्यान दें, गुजरी महल ग्वालियर में, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में विभाग में, श्री चित्रालयम आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, रामास्वामी मुदालिया संग्रहालय मदुरई में, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में और नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में इनके चित्र आज भी जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इस महान कलाकार के बारे में कि इस महान कलाकार का जन्म मैंने अभी आपको बता दिया कहाँ हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस असित कुमार हलदार की बात कर रहे हैं तो असित कुमार हलदार चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, शिल्पकार और इन सब के अतिरिक्त प्लस मैं ये अलग लिख दे रहा हूं, हाँ, और क्या है, कला शिक्षक, इन सब के अतिरिक्त इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है कवि कलाकार के रूप में। अगर क्वेश्चन आता है कि कवि कलाकार कौन सा कलाकार है तो आप असित कुमार हलदार लगाओगे। तो ये चित्रकार है, मूर्तिकार है, साहित्यकार है, शिल्पकार है, कला शिक्षक है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। असित कुमार हलदार को बचपन से ही चित्रों का, चित्र बनाने का शौक था। ये मतलब कलकत्ता में ही रहते थे तो बचपन में जब इनको चित्र बनाने का शौक था, जब ये कुछ बड़े हुए, यानी हम बात कर रहे हैं ये इनका जन्म हुआ था 1890 में और 1906 में, यानी लगभग ये 15 साल के ऊपर हो चुके थे, तब इन्होंने जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया। ठीक है, एक बात और बता दें आपको हम, क्योंकि ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के परिवारों में से, यानी इनकी जो माँ जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से इनका नाता जुड़ा था। ठीक है, असी यानी अवनींद्रनाथ टैगोर से भी जुड़ा था क्योंकि वो चूंकि लगते थे चाचा। तो इस तरह से असित कुमार हलदार जो थे उन्होंने 1906 में कलकत्ता कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया, यानी प्रवेश लिया, दाखिला लिया लिया तथा औनी बाबू, औनी मतलब औनी नाथ, औनी बाबू के ये बन गए शिष्य, यानी औनी नाथ टैगोर इनके कला गुरु हुए और इनसे ही इन्होंने बचपन से, इन्होंने जब यहाँ जब गए कलकत्ता स्कूल आबाद में तो इनसे इन्होंने कला सीखी, इन्हीं के संरक्षण में सीखा, इसीलिए इनके कला गुरु कौन है तो आप सीधे लगाओगे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में कला सीखते रहे, जब भी खाली होते थे अवनींद्रनाथ टैगोर इनसे बुला करके गीत सुनते थे, तो एक कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने चित्रों में गीतात्मक का भी प्रयोग किया, इसीलिए कवि कवि कलाकार भी कहा जाता है, ध्यान रखिए कवि कलाकार। इसके बाद 1906 में इन्होंने यहाँ पर सीखा, अच्छे खासी ये बिल्कुल पारंगत हो गए थे। फिर जब 1909 और 11 के मध्य, आपको बता चुके हैं पहले भी, 1909 और 11 के मध्य
भारत में आई थी लेडी हरिंगम, लेडी हरिंगम, लेडी हरिंगम के नेतृत्व में, इन्होंने अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई थी। इन्होंने अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई थी, और वो कब बनाई थी? 1911 में। यही वो थी जिनको ले जाकर के बाद में इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने इसको वहां पर अजंता फ्रेस्कोस के नाम से लेडी हरिंगम ने 1915 में प्रकाशित किया था। इन्हीं के चित्रों को जो वर्तमान में भी वो चित्र जो है, मैंने अभी आपको बताया, विक्टोरिया आल्बर्ट म्यूजियम में आज भी वो चित्र सुरक्षित है, यानी अनुकृतियां आज भी सुरक्षित है। तो ये किसने बनाया, किसके नेतृत्व में? लेडी हरिंगम के नेतृत्व में। इसी तरीके से 1914 में, ठीक है, इसी तरीके से 1914 में, पहले जान लें, 1910 में ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर रियासत, ने इनको आमंत्रित किया था, यानी आमंत्रित किया था। किस लिए? इसलिए कि बाघ गुफा की अनुकृतियों के लिए। अब क्योंकि 1910 में ये काम ऑलरेडी कर रहे थे हेरिंगम के साथ, जब ये खाली हुए तो ये आए 1914 में, ठीक है। तो 1914 में ये आए बाघ गुफा की इन्होंने अनुकृतियां बनाई, ठीक है। इन्होंने बाघ गुफा की 1914 में अनुकृतियां बनाई। इनके साथ में क्षेमेंद्र नाथ गुप्त थे। इनके साथ कौन थे? इनके साथ क्षेमेंद्र नाथ गुप्त थे। इनके साथ क्षेमेंद्र नाथ गुप्त थे, और इन दोनों ने मिलकर के अनुकृतियां बनाई, और आज वो अनुकृतियां गुजरी महल, संग्रहालय ग्वालियर में आज भी वो अनुकृतियां सुरक्षित हैं। कौन सी अनुकृतियां? बाघ गुफा की बनाई गई अनुकृतियां। कहा, मैंने अभी आपको बताया कि इनके चित्र कहाँ कहाँ सुरक्षित हैं, तो बाघ गुफा में इनके चित्र आज भी वहां पर सुरक्षित हैं। तो इस तरह से 1910 में इन्होंने बनाया। अब बात करते हैं 1921 में, ठीक है। 1921 में इन्होंने, ध्यान देना, सॉरी, 1914 में इन्होंने जोगी मारा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर रियासत की, तो उसी में आएगा ग्वालियर रियासत। 1914 में इन्होंने, थोड़ा सा ध्यान दिया मैंने, 1914 में जोगी मारा की अनुकृतियां बनाई थी। अब इसके बाद 1921 की बात कर रहे हैं, जोगी मारा की अनुकृतियां 1914 में। 1921 में सुरेंद्र नाथ का, बाकी सब सही है, खाली हाँ मैंने जोगी मारा की जगह बाघ बता दिया, वो गलत हो गया है। तब 1921 में सुरेंद्र नाथ, कर प्लस नंदलाल बसु, प्लस और कौन साथ में? असित कुमार हलदार। इन लोगों ने मिल करके, नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ कर, हलदार, इन लोगों ने मिल करके 1921 में बाघ गुफा की, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरा, कहा कि बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार की थी। और ये वाली कहाँ है? ये मैंने अभी आपको बताया था, गुजरी महल, थोड़ा सा पीछे वहां पर जो जोगी मारा वाली है, ये कहाँ है? तो ये आती है भारतीय पुरातत्व विभाग, ये वाली अनुकृतियां भारतीय पुरातत्व विभाग में सुरक्षित है। ये वाली अनुकृतियां भारतीय पुरातत्व विभाग में सुरक्षित है, और ये वाली अनुकृतियां जो है वो कहाँ है? कहेंगे गुजरी महल ग्वालियर में। बस थोड़ा से बाघ को कंफ्यूज हो गया, ध्यान नहीं दिया हमने भी। तो 1914 में जोगी मारा, 1921 में सुरेंद्र नाथ कर के द्वारा, इस तरह से असित कुमार हलदार के द्वारा बहुत सारी जो है अनुकृतियां, विभिन्न स्थानों की अनुकृतियां बनाई जाती रही। इन्होंने खुद भी अलग से भी कुछ काम किया है, जैसे 1910, ध्यान देना, 1910 में, 1910 में एक काम, 1910 में दिल्ली दरबार लगा था,
ध्यान देना 1910 में दिल्ली दरबार लगा था। अब ये दिल्ली दरबार की कहानी क्या है, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूं, विक्सी डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के समय। क्या है कहानी, 1914 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल दो हिस्सों में बढ़ गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। लोगों ने इसका विरोध किया कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, और ये विभाजन 1905 में हुआ और लगातार ये विभाजन चलता रहा। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे बंगाल के तब तब ब्रिटेन के सम्राट, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे, उनके लिए दिल्ली दरबार लगा। कब लगा, 1910 में दिल्ली दरबार लगा, और इस दिल्ली दरबार के लगने के लिए यहां पर बाकायदा बाकायदा लगाया गया था शामियाना, शामियाना, और शामियाना कहते हैं पंडाल। ठीक है, तो इसमें बुलाए गए थे नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दार। असित कुमार हल्दार, नंदलाल बसु, दोनों ने मिलकर के यहां पर जो है पंडाल को सुसज्जित किया था। किसको, इन्होंने पंडाल शामियाना को क्या किया था, सुसज्जित, सुसज्जित किया था। और यहां पर दोनों ने मिलकर के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ऐसे में कौन से हल्दार के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र, आइए उनको देख लेते हैं। कहां बनाए गए थे, शामियाना, शामियाना बोले तो पंडाल, यानी जिसके नीचे दिल्ली दरबार लोग यहाँ लगना था उसमें, तो उस पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। जैसे अभी आपने हाल ही में, जब कुछ साल पहले अभी जब कुंभ मेला था, तो उस कुंभ मेला के होने के कारण हमारे अभी क्योंकि तत्कालीन जो इस वक्त तो मुख्यमंत्री है, जिनका नाम हम लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ, के माध्यम से पूरे इलाहाबाद के लगभग दीवारों पर जो है, दीवारों पर नए नए कलाकारों के द्वारा ढेर सारी पेंटिंग बनाई गई थी जो आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो उसी तरीके से जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए पंडाल पर बहुत सारे चित्र बनाए गए थे, उसमें असित कुमार हल्दार का भी योगदान था। ऐसे कौन कौन सारे चित्र बनाए, आइए हम देखते हैं। इनके साथ में 1910 में जो चित्र बनाए गए थे वो कौन कौन से चित्र हैं, दिल्ली दरबार के जो पंडाल में बनाए गए थे 1910 में, जैसे अशोक पुत्र कुणाल, जो चित्र बनाया गया था कैसे पंडाल में, अशोक पुत्र कुणाल, अशोक पुत्र कुणाल। ठीक है, एक इसी तरीके से राम और ग्रह, राम व ग्रह, इसी तरीके से राधा कृष्ण, राधा कृष्ण और गोपियां, राधा कृष्ण व गोपियां, राधा कृष्ण व गोपियां, और चंद्रमा और कमल, कौन से, चंद्रमा और कमल, चंद्रमा व कमल, ये चित्र बनाए गए थे असित कुमार हल्दार के द्वारा। किस शैली में है ये इन्होंने काम किया था, अजंता शैली में, अजंता शैली में हल्दार ने बनाए थे। किस पर बनाए थे, तो कहेंगे पंडाल पर बनाया था। तो अशोक पुत्र कुणाल का चित्र, राम व ग्रह का चित्र, राधा कृष्ण व गोपियों का चित्र, चंद्रमा और कृष्ण का चित्र, ये सारे जो चित्र हैं ये आसिफ कुमार हल्दार के द्वारा पंडाल पर बनाए गए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा जब आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कल ही आपको बताएं हम। तो इस तरह से इन्होंने ये चित्र इन्होंने बनाए थे पंडाल पर, ध्यान रखिएगा, इन्होंने पंडाल पर ये चित्र बनाए थे। इसके बाद इन्होंने जल रंग और तैल रंग में, ध्यान देना, इस पे जल रंग वा जल रंग वा तैल रंग में, इन्होंने जल रंग व तैल रंग में इन्होंने 30 ऐतिहासिक चित्र बनाए थे, और इन 30 ऐतिहासिक चित्र को राज्य सरकार लखनऊ ने क्या किया था, इस 30 चित्रों को ऐतिहासिक, क्या कहेंगे, ऐतिहासिक चित्र बनाए थे इन्होंने, राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार कह सकते इसको हम, राज्य सरकार की जगह पर हम
उत्तर प्रदेश सरकार भी कह सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार लखनऊ ने इन चित्रों को उन जो है 30 चित्रों को प्रदर्शित किया था। जैसे कुछ महत्वपूर्ण चित्र, ऐसे जो कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चित्र, ठीक है, कितने मुख कुछ कुछ प्रमुख ऐतिहासिक चित्र कौन कौन से, जैसे जैसे एक भिखारी महिला वृद्ध को यानी बूढ़े को अपना वस्त्र देती हुई यानी साड़ी देती हुई और अपने खुद को शर्म से छुपाती हुई, इसको कम शब्दों में लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे क्या कि भिखारी स्त्री, भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा देती हुई, मैंने पूरी बात बता दी, मैं फिर से सुन लीजिए, एक भिखारी स्त्री वृद्ध को कपड़ा देती हुई यानी अपनी साड़ी देती हुई, कि साड़ी अपनी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कपड़ा देती हुई और खुद शर्म से अपने आप को छुपाती हुई का चित्र किसने बनाया था, ये बनाया था असित कुमार हल्दार ने, बारिश के दिन। दूसरा क्या है, बारिश के दिन। तीसरा, ये अनजाना सफर, ये अनजाना सफर, ठीक है, बारिश के दिन, ये अनजाना सफर, बुझी हुई लौ, बुझी हुई लौ, ठीक है, और प्रकृति कौन सा है, झरना व प्रकृति, झरना व प्रकृति। इसके अलावा सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र, ऐतिहासिक में इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या है, ऐतिहासिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, उस चित्र का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्या है, द स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, द स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये ऐतिहासिक में इनका बनाया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, द स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग चित्र किसका है, तो कहेंगे असित कुमार हल्दार का, ये ऐतिहासिक चित्र है जो असित कुमार हल्दार के द्वारा बनाया गया, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, ठीक है, यानी उस समय का। लेकिन बाद में इन्होंने और भी एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा है, वो क्या है, इन्होंने एक चित्र बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है हल्दार के द्वारा, वो बनाया गया है संथाल परिवार, क्या नाम है, संथाल परिवार। अब संथाल परिवार ये जो है, इस चित्र का नाम रखा था पहले जगई मगई, इसे जगई मगई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आप क्या कहोगे, इसे जगई मगई के नाम से भी जाना, ध्यान रखिएगा, किस संथाल परिवार, ये किसका है, तो कहेंगे संथाल परिवार जो है वो है असित कुमार हल्दार का। देखिए परिवार सब लगा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि संथाल स्त्री पुरुष व कन्याएं, तो ये कहेंगे नंदलाल बसु का है, समझ रहे, संथाल परिवार का चित्र असित कुमार हल्दार, संथाल परिवार की मूर्ति, तो आप कहेंगे राम किंकर बैज, क्या कहेंगे, राम किंकर बैज। अगर आता है संथाल लोक नृत्य, मैं ही बता दे रहा हूं सब, ठीक है, संथाल परिवार की बात आएगी तो कहेंगे असित कुमार हल्दार, ठीक। अगर आता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, संथाल स्त्रियां पुरुष वह कन्याएं, वह कन्याएं, तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे नंदलाल बसु, नंदलाल बसु, क्या रखेगा, तो आप लगाएंगे नंदलाल बसु, तो संथाल परिवार जब आएगा तो आप लगाएंगे असित कुमार हल्दार, ये हो गया। और इसके अलावा एक और चित्र है असित कुमार हल्दार का, अगर आता है संथाल लोक नृत्य, संथाल लोक नृत्य, तो किसको लगाएंगे, असित कुमार हल्दार लगाएंगे, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, असित कुमार हल्दार लगाएंगे, है ना। और अगर आता है, अगर ये आता है संथाल नृत्य,
संथाल केवल नृत्य आता है, तो किसको लगाओगे? असित कुमार संथाल नृत्य नंदलाल बसु, ध्यान देना संथाल नृत्य को नंदलाल, संथाल नृत्य आता है तो नंदलाल बसु, संथाल लोक नृत्य आता है तो आप लगाओगे असित कुमार हंडार, संथाल स्त्रियां पुरुष कन्या का तो लगाओगे नंदलाल बसु, अगर संथाल परिवार चित्र चित्र है, संथाल परिवार चित्र अगर आता है तो किसको लगाओगे? लगाओगे आप, ध्यान रखिएगा, तो आप लगाना असित कुमार हंडार। अगर आता संथाल परिवार की मूर्ति, क्या आता है? अगर आता है यहां पे संथाल परिवार की मूर्ति, तो मूर्ति आएगा तो आप लगाएंगे राम किंकर बैच, राम किंकर बैच, ठीक है। अभी और कहीं ना कहीं संथाल से जुड़े आएंगे तो मैं आपको रिपीट कराता रहूंगा आपको, तो ध्यान रखिएगा संथाल से जुड़े हुई चीजें मैंने कुछ यहां बता दिए, जो हो चुकी उनको मैं बता दे रहा हूं पहले से, ठीक है। तो इस तरह से असित कुमार हल्दार ने संथाल परिवार का चित्र बनाया था, और ये जो चित्र है संथाल परिवार वाला, ये इसी को जगई मगई के नाम जानाता है, और ये चित्र वर्तमान में कहां है तो कहेंगे नगर पालिका, नगर पालिका म्यूजियम, म्यूजियम नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में आज भी ये चित्र सुरक्षित है, जिसे हम संथाल परिवार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं, असित कुमार हल्दार ने एक नई चीज शुरुआत की थी, क्या शुरुआत की थी? इन्होंने शुरुआत की थी कॉस्मेटिक पेंटिंग, हल्दार ने एक नई विधि, नई विधि शुरुआत की, उसका नाम था कॉस्मिक पेंटिंग, ठीक। तो कॉस्मिक से याद रखिए कॉस्मेटिक, ऐसे याद रखिएगा तब याद रहेगा आपको। तो कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप महिला समझ गए होंगी, कॉस्मेटिक में जैसे पाउडर लिपस्टिक क्रीम, ये कॉस्मेटिक सामान सब आता है। तो आदमी जब इसको, यानी जब इसको महिलाएं लगाएंगी तो क्या होगा, इसमें सुंदरपन दिखाई देगा, यानी सजावटी काम दिखाई देगा, यानी सजाया जा रहा है इसको। तो इसलिए याद रखिएगा कॉस्मिक पेंटिंग में कैसे चित्र बनते हैं तो कहेंगे सजावटी, कैसे चित्र बनते हैं तो कहेंगे सजावटी चित्र बनते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें सजावटी चित्र बनाए जाते हैं, समझ गए। इस विधि को जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा, यानी इस विधि को किसने देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, टैगोर ने देखा, तो टैगोर ने कहा, देखकर कहा, क्या कहा, हल्दार ने, इन्होंने लिखा हल्दार ने, ठीक है, कला में, चित्रकला में, चित्रकला में एक नया मोड़ दे दिया है, नया मोड़ दे दिया है। ये कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी विधि को देखकर कहा, हल्दार ने चित्रकला में एक नया मोड़ दे दिया है। तो इस तरह से असित कुमार हल्दार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे, जैसे जैसे कौन कौन से चित्र, कॉस्मिक, कॉस्मिक मतलब सजावटी चित्र, यानी क्या कहा है, कॉस्मिक मतलब है सजावटी चित्र, जैसे इन्होंने कौन कौन से बनाए, जैसे अकबर एक निर्माणकार के रूप में, अकबर, अकबर एक निर्माणकार के रूप में, चित्र का नाम है अकबर एक निर्माणकार के रूप में, ये किसमें बनाया गया, तो कहोगे ये कॉस्मिक विधि कह लो या सजावटी कह सकते हो। तो अकबर एक निर्माणकार के रूप में ये चित्र बना, इसी तरीके से जंगल की आत्मा, जंगल की आत्मा, इसी तरीके से झरने की आत्मा, क्या लिखा है, झरने की आत्मा, इसी तरीके से जंगल की आत्मा, झरने की आत्मा, और डाकू और चैतन्य, यानी चैतन्य व डाकू, चैतन्य, चैतन्य व डाकू, ठीक, इसी तरीके से चैतन्य व डाकू, इसी तरीके से आगे देखिए उमर खयाम, कौन सा है,
रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम, रुबाइयत ऑफ, रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम, ठीक, रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम। जंगल अकबर एक निर्माणकार के रूप में, जंगल की आत्मा, झरने की आत्मा, चैतन वाला को रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम। और एक और मैंने अभी पहले बता दिया है, वो कौन सा संथाल लोक नृत्य, ठीक। ये सारे के सारे जो चित्र हैं किस विधि में है तो कहेंगे कास्मिक विधि में, किस विधि में है तो कहेंगे कास्मिक विधि में इन्होंने चित्र बनाए थे। तो इस तरह से असित कुमार हल्दार ने एक नई विधि को शुरू किया था। अब बात करते हैं असित कुमार, इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और नया काम किया, वो थी लेसिट विधि। पहले कास्मिक पेंटिंग पर सजावटी, अब लेसिट विधि, एक नई विधि और है। इन्होंने एक नया काम और किया था, लेसिट विधि। ठीक है, क्या है लेसिट विधि, आइए देखते हैं लेसिट विधि क्या। ये लकड़ी पर लाख का वार्निश लगाकर टेम्परा विधि से चित्र बनाना, ठीक है, टेम्परा के माध्यम, टेम्परा मतलब रंग, रंग में कोई पदार्थ मिला दे। इस पर बनाया गया, इस विधि पर बनाया गया प्रमुख चित्र चौराहे पर, चित्र कौन सा है, चौराहे पर चित्र। तो क्या कहेंगे चौराहे पर चित्र किस विधि में, तो कहेंगे असित कुमार हल्दार के द्वारा लेसिट विधि में बनाया गया चौराहे पर चित्र। तो आप कहोगे ये किस में है, लेसिट विधि में, चौराहे पर, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इन्होंने ये चित्र बनाया था। आगे ध्यान दें हम लोग, इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, ठीक है, अभी और हम चित्र के नाम बताएंगे, फिलहाल पहले जान लें असित कुमार हल्दार 1908 में ये लंदन गए थे, लंदन गए, वहां इन्होंने भास्कर, भास्कर विधि के माध्यम से मूर्तियां बनाना सीखा, और इनके मूर्तिकार गुरु का नाम था, मूर्तिकार गुरु जो लंदन के थे उनका नाम था लियोनार्डो जेंसिंग। क्या नाम था, लियोनार्डो जेंसिंग, क्या नाम था, जेंसिंग, लियोनार्डो जेंसिंग, जेंसिंग ये मूर्तिकार, वो लियोनार्डो विंची ना समझिएगा, लियोनार्डो विंची इटली के थे, ये कहां के हैं, ये लंदन के हैं, ये मूर्तिकार हैं। तो इनके मूर्तिकार गुरु कौन थे, लियोनार्डो जेंसिंग। इन्होंने इनसे भास्कर कला, भास्कर कला क्या होती है बता देते हम, वैसे आप लोग जानते होंगे भास्कर कला क्या होती है, जैसे कोई धरातल है तो धरातल में आधी आकृति अंदर और आधी आकृति बाहर, ठीक है, उसे कहते हैं भास्कर कला, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने भास्कर पद्धति पर इन्होंने मूर्ति बनाना सीखा, और तब इन्होंने एक मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति किसकी थी, रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। तो असित कुमार हल्दार एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ये एक मूर्तिकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, और इन्होंने किसकी बनाई थी, तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति बनाई थी। ध्यान रखिएगा, असित कुमार हल्दार के अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति अगर किसी ने और बनाया है तो उसका नाम है राम किंकर बैज। फिर आएगा, मैं रिपीट करूंगा वहां पे, तो राम किंकर बैज ने, ध्यान रखिएगा, राम किंकर बैज ने भी मूर्ति रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई थी, और किसने बनाई, असित कुमार हल्दार ने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ये एक साहित्यकार भी थे, इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, और कुछ पुस्तकों का इन्होंने
अनुवाद भी किया था। पहले अनुवाद देख लेते हैं, फिर बाद में इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। तो इन्होंने असित कुमार हलदार ने संस्कृत भाषा से बंगला भाषा में अनुवाद किया था। तो बंगला भाषा में अनुवाद की जाने वाली एक पुस्तक का नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। मेघदूत आप जानते हैं, कालिदास का ये नाटक है, ठीक है। तो इन्होंने एक अनुवाद किया था मेघदूत, ध्यान देना, बंगला भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था मेघदूत। और दूसरा कौन सा है? ऋतु संहार, यह भी कालिदास का है, ऋतु संहार, ठीक है। तो ये दोनों जो है किस भाषा में है? तो ये बंगला में। इसको किसमें अनुवाद किया था? इन्होंने बंगला में। किस भाषा से? संस्कृत से बंगला में अनुवाद की जाने वाली पुस्तक कौन सी है? तो कहेंगे मेघदूत और ऋतु संहार, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने बंगला भाषा में पुस्तक भाषा में इनकी क्या है? पुस्तक है। कौन सी है? जैसे ललित कला की धारा, ललित कला की धारा। दूसरी है इनकी गौतम गाथा। तीसरी है इनकी चित्रकला। कौन सी है? भारतीय चित्रकला, ठीक है। तो ललित कला की धारा, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला। एक और है रूपदर्शिका। कौन सी है? रूपदर्शिका। और एक और है, उसका नाम है अंग्रेजी में है, वो है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, ठीक है। ये तो ये इनकी पुस्तकें हैं, ललित कला की धारा, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, रूपदर्शिका, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस। ये इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। तो इस तरह से ये एक लेखक के रूप में भी, यानी एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1923 में ये शांति निकेतन में जो इन्होंने एक स्थापित किया था कला भवन, इसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक कला भवन 1919 में स्थापित किया था। और उस कला भवन के अध्यक्ष 1921 में पहले बना गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 22 में अध्यक्ष बने थे इसके नंदलाल बसु, 23 में अध्यक्ष बने थे कौन? असित कुमार हलदार। 1923 में शांति निकेतन के कला भवन के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या थे? ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1923 में ये शांति निकेतन की अध्यक्ष बने हैं। 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में ये क्या बने? ये शिक्षक हुए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के ये शिक्षक बन गए, कला शिक्षक। कौन शिक्षक है? मैं नीचे ले देता हूं। ये स्कूल में ये कला शिक्षक बन गए, ठीक है। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कब बने? 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो कहेंगे जयपुर में, आज जयपुर में लिख देता हूं यहाँ पे। फिर इसके बाद 1925 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, 1925 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक, यहां के ये बन गए थे प्रधानाचार्य। और अंतिम समय तक कि 1925 से लगातार ये लखनऊ में ही रहे। और 1941 में ब्रिटिश सरकार ने इनको 1941 में ब्रिटिश सरकार ने इनको अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप प्रदान की, यानी इनको 1941 में ब्रिटिश सरकार ने इनको सम्मान दिया, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया। इसके अन्य प्रमुख चित्र और है, चार और इनके चित्र लगभग मैंने बता ही दिए हैं। इनके और कौन कौन चित्र हैं? अन्य चित्र, अन्य चित्र में ज्यादा नहीं है, चार चित्र हैं। कौन कौन सा है? आसीन जीवन चित्र का नाम है। दूसरा है इनका मेघ कन्या, अल्हड़ यौवन, और लास्ट इनका है ताजवा प्रकाश। तो ये आज हो गया आपका असित कुमार हलदार कंप्लीट। ठीक है, एक बार फिर ध्यान दीजिए, असित कुमार हलदार कवि कलाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने मूर्ति जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की इन्होंने मूर्ति बनाई थी। इन्होंने मूर्ति लंदन में जा करके लियोनार्डो जेनसिंग से इन्होंने मूर्ति बनाना सीखा था। इनका एक बहुत प्रमुख चित्र मैंने अभी आपको बताया है, संथाल परिवार, जिसको हम जगई मगई के नाम जानते हैं। ये वर्तमान में जो जगई मगई वाला जो चित्र है वो आपका कह सकते हैं यहाँ पे नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में है, और रविंद्रनाथ टैगोर की जो मूर्ति है वो भी नगर पालिका म्यूजियम में ही है, लेकिन वो कहाँ है? हलदार भवन में है। यहाँ एक उनका भवन बना दिया गया है, हलदार भवन में वो मूर्ति कहते आज भी रखी हुई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने नई नई विधियां चालू की, जैसे इन्होंने एक लैसिड विधि शुरू की। मैंने अभी आपको बताया है कि लैसिड विधि क्या होता है, कि लकड़ी पर लाख का वार्निश लगाकर टेम्परा क्या होता है कि जब रंग में कोई पायस मिला देते हैं तो उसे टेम्परा कहते हैं, तो टेम्परा के माध्यम से इन्होंने चित्र बनाया, उसे कहते हैं मैंने कहा लेसिड विधि। और लेसिड विधि पर बनाया गया इनका सबसे प्रमुख चित्र, उस चित्र का नाम है चौराहे पर। इसी तरीके से इन्होंने एक और विधि शुरू की थी, मैंने बताया कॉस्मिक पेंटिंग, जिसको सजावटी चित्र हैं, उनमें मैंने अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण चित्र बताया, जैसे अकबर एक निर्माणकार के रूप में है ना, जैसी कुछ, और उसमें एक और चीज बताया था जैसे संथाल नृत्य, ठीक है, नहीं संथाल लोक नृत्य। संथाल नृत्य की जब बात आएगी तो कहेंगे हम ये नंदलाल बसु का है, और अगर आता है संथाल लोक नृत्य की बात आएगी तो कहेंगे असित कुमार हलदार। इसके अलावा इन्होंने संथाल परिवार का चित्र बनाया था, तो संथाल परिवार का चित्र इन्होंने बनाया। संथाल स्त्री पुरुष व कन्या मैंने अभी आपको बताया, वो आपका है नंदलाल बसु। और इस तरह से संथाल परिवार का चित्र और संथाल परिवार की मूर्ति, तो मूर्ति है रामकिंकर बैज। तो ऐसे में मैंने आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, आप इनको बेहतर तरीके से इनका नोट्स बना लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका लेक्चर रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा है, मे बी एक घंटे के ऊपर ही होगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, गुड नाइट। किसी कुछ कहना कह सकता हूँ, मुझसे कुछ पूछना है पूछ सकता है। गुड नाइट। Thank you.